गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हाय, आई एम प्रिया धर्मेश तिवारी फ्रॉम बेस्ट इंग्लिश स्कूल। टुडे वी आर गोइंग विद सब्जेक्ट हिंदी फॉर स्टैंडर्ड सेकेंड चैप्टर 9 बुलबुल। आज हम जो है बुलबुल के बारे में पढ़ेंगे। बुलबुल आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा, ये बहुत मीठा गाती है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है और जब ये बोलती है ना तो लोग सुनना पसंद करते हैं। अगर कौवा जो होता है, क्रो जो होता है, अगर आप उसकी बात करें, अगर वो बोलता है तो हमको नहीं अच्छा लगता है, बट जब बुलबुल बोलती है तो हमें उसको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। तो देखिए, इसमें हमको बुलबुल को पहचानने की भी बताया गया कि कैसे पहचान सकते हैं। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता है। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो देखिए, बुलबुल भी कई तरीके की होती हैं। किसी बुलबुल के सिर पर कलगी होती है, जैसे कि मोर के सिर पर नहीं होती है कलगी, तो उसे क्या बोलते हैं? सिपाही बुलबुल। तो देखिए, यहाँ पर हमें जो है बहुत सारे तरीके के बुलबुल दिखाई पड़ रहे हैं ना। एक ये देखिए, ये है, और सब जो है अलग अलग तरीके के हैं, है ना। तो ये सब क्या है? हमारी बुलबुल है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। जी हाँ, बुलबुल क्या खाती है? कीड़े मकौड़े खाती है। जब वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है, यानी कीड़े मकौड़ों के साथ खाने के साथ साथ वो और क्या खाती है? सब्जी भी खाती है, जैसे हम लोग खाते हैं, है ना, फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर, यानी कि इसको जो है अमरूद, जिसको आप लोग जामफल बोलते हो, वो उसे बहुत पसंद होता है, हमला कर देती है। मतलब कि उसको ख़राब नहीं करती है, मीन्स फटाफट सब जाके खाने की कोशिश करती है उसको। उसे इतने पसंद होते हैं अमरूद और मटर। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जो है जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। जी हाँ, अगर हम बुलबुल के अंडों की बात करें तो वो कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के भी होते हैं और उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी यानी कि ब्राउन और कुछ बैंगनी, यानी कि जो है हमारा जो पर्पल कलर होता है, जैसा कि ब्रिंजल कलर होता है, उसके जैसे कैसे क्या दिखाई पड़ेंगी? बिंदियाँ, यानी कि छोटे छोटे डॉट दिखाई पड़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर था। चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। इनमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो देखिए, बहुत ईजी है। बुलबुल कौन है इसमें से बताइए। देखिए, एक तो जो है ये हमारा क्या है? क्रो है। ये हमारी गिलहरी है यानी कि स्क्विरल है। और ये क्या है? हमारा बुलबुल। कौन है ये? बुलबुल। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना, हमने बुलबुल को कैसे पहचाना। तो आपका आंसर आएगा कि मैंने बुलबुल को उसकी पूंछ से पहचाना। वह आगे से लाल रंग थी तथा पूंछ का आखिरी सिरा सफ़ेद रंग का था। साथ ही उसके सिर को देखा जो काले रंग का था। इन सब बातों से बुलबुल को पहचानना सरल हो गया, या इस तरीके से मैंने बुलबुल को पहचान लिया। तो आपके देखिए इस क्वेश्चन का जो होगा कि मैंने बुलबुल को कैसे पहचाना, तो आपको ये जो आंसर है यहाँ पे लाइन में लिखना है। सिपाही बुलबुल के सिरे पर काले रंग की कलगी
होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है, बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। तो देखिए और भी पक्षी होते हैं जिनके सिर पर कलगी होती है, तो जैसे कि हम बात करें मोर, हुदहुद और मुर्गा। तो देखिए इसमें इनका रंग क्या होता है, गहरा नीला। मोर के जो कलगी होती है उसका रंग होता है गहरा नीला, और जो हमारा हुदहुद होता है वो गहरी पीली और काली धारियां होती हैं, और मुर्गे की जो ऊपर कलगी होती है वो लाल रंग की होती है। सिपाही बुलबुल की गर्दन तथा कान के नीचे लाल रंग के निशान पाए जाते हैं, कुर्बानी तथा बलिदान के प्रतीक स्वरूप होते हैं, इसलिए इन्हें सिपाही बुलबुल कहा जाता है। ठीक है, और देखिए हमारा क्वेश्चन अब क्या है कि कलगी वाली बुलबुल, ये जो कि इसका आंसर देखिए मैं बताती हूँ आपको, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसमें आंसर है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कि सिपाही बुलबुल की गर्दन तथा कान के नीचे लाल रंग के निशान पाए जाते हैं, इसे कवि कुर्बानी तथा बलिदान के प्रतीक स्वरूप लेते हैं, इसलिए इन्हें सिपाही बुलबुल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई तीन बातें लिखो। तो आप लिख सकते हैं कि इसकी पूंछ का आखिरी भाग सफ़ेद रंग का होता है, इसके पूंछ का भीतरी भाग जो होता है यानी कि अंदर का भाग जो होता है वो लाल होता है, और इसका शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। ठीक है, तो ये हमारे होगी। अब देखिए यहाँ पे पेज नंबर 53, बुलबुल अपना घर आस घास और जड़ों से बनाती है। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बनता है या बना है पता करो। तो देखिए आपका घर जो होगा वो घास फूस से तो बना नहीं होता है, तो हमारा आंसर रहेगा कि हमारा घर ईंट बजरी रोड़ी सीमेंट लोहे की मोटी पत्ती सलाखों से बना है। ओके, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है तो सबको पता है। अब इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब, ऊंची आवाज़ में हम कब कब बोलते हैं आपको ये लिखना है, और कौन बोलता है। तो देखिए यहाँ पे नाम लिखे गए हैं और ऐसा बोला कि यहाँ पे कब बोलते हैं। तो देखिए इसका आंसर है, जैसे हम लिखे तरुण, तरुण यहाँ पे हम लिख देंगे तरुण, और जब उसकी कोई बात नहीं सुनता है तब वो ऊंची आवाज़ में बोलता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, गो टू द नेक्स्ट पेज। माला, जब उसे कुछ मांगना होता है तब वह ऊंची आवाज़ में बोलती है। श्वेतिका, या कुछ और भी नाम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको यही लिखना है, आप कुछ और भी नाम लिख सकते हैं। गोपाल, जब उसे गुस्सा आता है तब वो ऊंची आवाज़ में बोलता है। जावेद, जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है तब वह ऊंची आवाज़ में बोलता है, है ना। तो यहाँ पे आप नाम लिखकर अपने तरीके से इसको फिल कर सकते हैं कि कौन कौन कब और कैसे तेज़ आवाज़ में बोलता है। ठीक है, अब देखिए, मैं काली हूँ मीठा गाना गाती हूँ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, कोयल। मैं हरा हूँ लाला लाल मेरी चोंच है हरी मिर्च खाता हूँ, यहाँ पे लाल आएगा, लाला नहीं है, लाल मेरी चोंच है हरी मिर्च खाता हूँ, तो कौन सा आएगा हमारा, तोता। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं, तो यानी कि हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ, यानी कि मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ, तो यानी कि चूहा। ठीक है, अब देखिए अभी लिखा बुलबुल या किसी और पक्षी का, और पक्षी के बारे में, मतलब हमें कविता लिखनी है। ठीक है, तो आप कोई भी किसी भी पक्षी के बारे में कविता लिख सकते हो, अपने मन से बना के लिख सकते हो, या किसी नोटबुक से देखकर भी लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे तोता के बारे में लिखा है, टेटे का शब्द सुना छट से बाहर मैं निकला, देखा पेड़ पर बैठा हरे रंग का एक तोता, लाल चोंच पर मिर्ची थी उसके चोंच की जैसी थी, मेरा मन भाया वो पर हाथ नहीं आया। तो देखिए इसमें जो है तोते के बारे में लिखा है, आप कोई और भी लिख सकते हो, है ना। अब देखिए इस, ये तो बहुत इजी है, सबको पता है,
कि हमें इनके नाम लिखने हैं ना, जैसे बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, ये सब पक्षी हैं। तो गोभी, आलू, भिंडी क्या कहलाती है हमारी? सब्जी। संतरा, केला, सेब फल। गाय, हाथी, कुत्ता यानी कि जानवर। मूंग, चना, अरहर ये क्या कहलाती है हमारी? दालें, है ना। दाल जो आप खाते हो तो मूंग की भी होती है, चने की भी होती है, अरहर की भी होती है, है ना। तो ये देखिए हमारी आज की एक्सरसाइज हो गई है, है ना। आपको ये जो है पूरी एक्सरसाइज आपकी बुक में, और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। और ये चैप्टर 9 अब हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको जो है आपको अच्छे से एक बार रीड भी करना है चैप्टर को, और उसके नीचे अंडरलाइन भी करनी है। और इसमें मैं क्वेश्चन जो है आपको बना के भी लिख सकती हूँ, जैसे कि बुलबुल क्या खाती है, है ना। जैसे कि मैंने आपको दे दिया बुलबुल क्या खाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि बुलबुल कीड़े मकोड़े खाती है। वह अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है, ठीक है। घोंसला कैसा होता है? तो आप लिख सकते हो कि घोंसला अंदर से एक सुंदर टुकड़े जैसा होता, कटोरे जैसा होता, सॉरी, घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है, ठीक। तो चैप्टर रीड करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि जो बुक की एक्सरसाइज है हमें वही करनी है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया है तो बीच में से भी अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ लूँ तो आपको आंसर आना चाहिए, ओके। चलिए, ये आपका इसका चैप्टर हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन आई वुड लाइक टू पैक अप। बाय गाइस।